हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एनटीडी इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में, उसके डोज के बारे में, साइड इफेक्ट्स एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को काफ़ी सरल भाषा में। तो समझेंगे कि एनटीडी इंजेक्शन को कब और क्यों लगाया जाता है, और जब गर्भवती महिलाएँ होती है तो उनमें कौन सी कंडीशन में ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो सीखते हैं डिटेल में आज के लेक्चर में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। सीखे दवाइयों के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, यूज, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मर ऑक्स ऐप ऊपर। एंड्रॉयड यूजर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब समझते हैं एनटीडी इंजेक्शन के बारे में। तो यह ऐसा क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिंस कहते हैं, और ये इंजेक्शन मसल्स के अंदर जाता है, और स्पेशली जो हमारे हाथ के मसल्स होते हैं या फिर जो पैरों के मसल्स होते हैं वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा ये इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये खासकर रेसिस डिसीज के इलाज में यूज़ किया जाता है। आगे समझते हैं उसके लेबल के बारे में। तो लेबल में आप सबसे ऊपर देखो तो मेडिकेशन का नाम लिखा है कि जो है एनटीडी, कि जिसको रो इम्यूनोग्लोबुलिंस कहे जाते हैं, कि जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट का ब्रांड नेम देख सकते हैं रोक्लोन, कि जिसकी स्ट्रेंथ है 300 माइक्रोग्राम मेडिकेशन। ये एक लिक्विड इंजेक्शन रहता है, और ये जो वायल आपको दिया जाता है उसके अंदर 1 ml जब मेडिकेशन आप लेते हैं तो उसके अंदर 300 माइक्रोग्राम जितना मेडिकेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, कि जो एनटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन से साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन रहता है सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर। और स्टेबलाइजर्स और एक्सिपिएंट देखिए तो सोडियम क्लोराइड है और ग्लाइसिन उसके अंदर ऐड किए गए हैं। साथ ही हम जाने तो स्टोरेज का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 से लेकर 8 डिग्री के सेल्सियस पे ही ये इंजेक्शन को अच्छे से स्टोर करके रखना होता है, कि जिससे ये इंजेक्शन ख़राब ना हो। अगर समझते हैं उसके यूज़ के बारे में, तो रेसिस डिसीज के इलाज में ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो रेसिस डिसीज एक ऐसी बीमारी है, ऐसा एक प्रॉब्लम है कि जो हमारे ब्लड फैक्टर्स के से जुड़ा है, कि ऐसी कंडीशन की जब किसी महिला का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में जो बेबी डेवलप होता है तो उसके अंदर कई बार जो रेसिस डिसीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और उसके कारण मिसकैरेज हो सकता है। तो ये कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए एनटीडी इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो जो बेबी के अंदर हम चेक करें तो जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है, कि जिसको हम पीलिया कहते हैं। कि यहाँ पे आप देखो ये हेल्दी बेबी है और बाजू में बेबी विथ सीवियर जॉन्डिस। तो जो बेबी आगे अंदर जो डेवलप होता है यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बर्थ के बाद भी उसको जॉन्डिस हो सकता है। फिर एनीमिया की जो कंडीशन, की जो खून की कमी हो सकती है उसके अंदर। तीसरी कंडीशन, ब्रेन में इंजरी हो सकती है, या फिर किडनी फेलियर जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये इंजेक्शन को लगाया जाता है, स्पेशली मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरे कुछ हम उसके यूज़ देखें तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है और वो किसी RH पॉजिटिव डोनर से ब्लड जो है वो रिसीव करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए भी एनटीडी इंजेक्शन लगाया जाता है। बिकॉज यूजली क्या होता है कि जो RH नेगेटिव जो रेसिपिएंट है, कि जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उन लोगों को स्पेशली नेगेटिव ब्लड डोनर से ही ब्लड जो है वो लेना चाहिए, कि जो RH नेगेटिव डोनर है उसी से। बट अगर किसी गलती से RH पॉजिटिव डोनर से वो ब्लड ले लेता है तो ऐसे कंडीशन में उसके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी एनटीडी इंजेक्शन को लगाया जाता है। चौथी कंडीशन देखे तो जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा की जो कंडीशन हम कहते हैं, कि जिसके अंदर आपके जो ब्लड प्लेटलेट काउंट से वो काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए ये एनटीडी इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो अब समझते हैं कि रेसिस डिसीज क्या है, कि आपके माइंड में कब से ये सवाल जरूर होगा
कि रेसिस डिसेस क्या हो रही है, कैसे कंडीशन में प्रोड्यूस होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, और जो बेबी जो फिटस डेवलप हो रहा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। कि चाहे ब्लड ग्रुप कोई भी हो, जैसे हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप के जो अलग अलग प्रकार, तो समझो कि ए पॉजिटिव है तो सामने ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव है तो सामने बी नेगेटिव ब्लड भी होता है, फिर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें भी पॉजिटिव रहता है और ए बी नेगेटिव रहता है, और ओ पॉजिटिव है तो ओ नेगेटिव है। तो जब मदर का ब्लड ग्रुप इस तरह से नेगेटिव के कैटेगरी में आता है कि जो आर एस नेगेटिव और जो बेबी डेवलप हो रहा है उसका पॉजिटिव है, तो जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होते हैं मदर की बॉडी में वो क्या करते हैं, जो बेबी के जो ब्लड सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ये होती है कि जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके अंदर आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने के कारण आरबीसी कम होने लगते हैं। आरबीसी कम होते तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम होगा, कि जिससे वो बेबी है वो एनेमिक होने लगता है, उसके अंदर खून की कमी होने लगती है। और ऐसी कंडीशन को मेडिकल टर्म में HDFN कहा जाता है, कि जिसका फुल फॉर्म बनता है हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न। कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर वो फीटस स्टेज में है तो भी ये प्रॉब्लम होता है, और उसके कारण क्या होता है कि बच्चे को एनीमिया हो सकता है, कि वो एनीमिक हो सकता है, या फिर उसके अंदर जॉन्डिस हो सकता है, मतलब कि पीलिया हो सकता है, ब्रेन इंजरी या फिर ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फिर आगे जाके उसकी डेथ हो सकती है, कि जिसके कारण क्या होता है मिसकैरेज हो जाता है। तो ये है स्पेशली रेसिस डिजीज। तो इसके इलाज में ये इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है कि जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो स्पेशली नेगेटिव होता है। आगे समझते हैं एंटीडी इंजेक्शन के बारे में डिटेल में, कि जो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कई बार क्या होता है, पहली प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो बट सेकंड प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, तो उस वक्त भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि आप समझिए कि जिन महिलाओं का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कि यहाँ पे आप देखो डायग्राम के अंदर ये जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और उनके पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो जो बच्चे को नुकसान होने का जो है वो खतरा रहता है, और पहले गर्भावस्था में जो प्लेसेंटा से होकर खून जो है वो माँ में जाता है। कि अगर यहाँ पे देखो कि ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से होकर जो बच्चे ये जो एंटीजन जो है वो मदर की बॉडी में जा रहे हैं, तो उसके चलते गर्भवती महिला के खून में एंटीबॉडी बनने लगते हैं, और ये एंटीबॉडी खासकर जो पहले गर्भावस्था में बच्चे को नुकसान नहीं करते, बट प्रॉब्लम स्पेशली होता है सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये आरएच पॉजिटिव फीटस है और आरएच पॉजिटिव एंटीजन जो है वो उसके अंदर डेवलप हुए, तो ये एंटीजन प्लेसेंटा से होकर मदर के बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, और उनके सामने एंटीजन के सामने में पता हो कि हमेशा एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, तो मदर की बॉडी में इस तरह से एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप होने लगते हैं। बट ये डेवलप हुए एंटीबॉडी ये जो फर्स्ट फीटस है फर्स्ट प्रेगनेंसी का, उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या फिर प्रॉब्लम नहीं करते, बट जब सेकंड प्रेगनेंसी जब रहती है और उस वक्त समझो कि बेबी आरएच पॉजिटिव है, तो उस वक्त ये जो एंटीबॉडीज बने हैं वो क्या करते हैं, बेबी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचते हैं, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच के बेबी के अंदर क्या करते हैं कि उनके जो आरबीसी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, कि जिससे आरबीसी कम हो जाते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और वो बच्चा आगे जाके एनीमिक हो सकता है। तो दूसरे गर्भावस्था में गर्भवती महिला के खून में पहले से मौजूद एंटीबॉडी, कि ये पहले से मौजूद ये एंटीबॉडीज गर्भ में पल रहे बच्चे के खून में जाकर उसके जो सेल है उसको नुकसान करने लगता है, तो इसी के कारण बच्चे के अंदर खून की कमी होने लगती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आरबीसी कम होने लगते हैं और उसके कारण HBB कम होता है, कि जिससे बच्चा जो है वो एनेमिक होता है, कि जिसको हम कहते हैं कंडीशन कि उसके अंदर खून की कमी होने लगती है, और इसी के प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को NTD इंजेक्शन लगाया जाता है। कि अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही बेबी को जन्म देते उसके बाद समझो कि 72 आवर्स के अंदर 72 आवर्स के अंदर समझो कि NTD इंजेक्शन लगा देते हैं,
तो ये जितने भी ये एंटीबॉडीज़ है वो सभी को एंटीडी इंजेक्शन क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर सेकंड प्रेगनेंसी रहती है तो उस वक्त ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे, जिसके कारण जो फीटस है, जो सेकंड आरएस पॉजिटिव फीटस है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ये बच्चे की जान जो है वो हम बचा सकते हैं या फिर उसको कोई भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो दरअसल डायग्रामेटिकली समझे तो इस तरह से होता है कि जो हस्बैंड है वो आरएच पॉजिटिव है और महिला जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो उनका जो बेबी समझो कि डेवलप हो रहा है और वो आरएच पॉजिटिव है, तो उसके कारण क्या होगा कि मिसकैरेज हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, वो उसको एनीमिया हो सकता है या फिर वो उसके अंदर एनेमिक जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि उसके अंदर खून की कमी है, एच भी उसका काफ़ी कम है और ये सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। साथों साथ कई बार क्या होता है कि जो रिसीव नेगेटिव जो लेडी है वो कई बार ब्लड जो है वो रिसीव करती है आरएच पॉजिटिव डोनर से, और अगर वो फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उसके फिटस को वो आरएच पॉजिटिव जो एंटीबॉडीज है वो नुकसान पहुंचा सकते, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटीडी इंजेक्शन को जो है वो लगाया जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया कि यहाँ पे लिखा है कि वुमन हुज ब्लड ग्रुप इज़ नेगेटिव एंड हस्बैंड्स ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव देयर इज़ ए रिस्क ऑफ लॉस ऑफ चाइल्ड, तो ऐसी कंडीशन में एंटीडी इंजेक्शन को लगाया जाता है कि जिससे हम क्या कर सके, बेबी को जो है वो प्रिवेंट कर सके, लॉस ऑफ बेबी जो कई बार प्रॉब्लम होता है उसको जो है वो हम प्रिवेंट करवा सके या फिर जो मिसकैरेज वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आरएस फैक्टर वाला कब होता है, तो एक ही कंडीशन में होता है, यहाँ पे आप देखो कि जब मदर जो है वो नेगेटिव है और जो बेबी है वो आरएस पॉजिटिव है, तो उसी कंडीशन में प्रॉब्लम होता है और तभी ये एंटीडी इंजेक्शन जो है वो लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वरना आप दूसरे कंडीशंस यहाँ पे देखो कि मदर आरएस पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो फर्स्ट वाला केस है। फिर आप सेकंड वाले केस को अच्छे से देखो कि जिसके अंदर लिखा है कि जो मदर है वो नेगेटिव है और फादर भी नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मदर नेगेटिव है और बेबी भी नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट सिर्फ एक ही केस में होता है कि जब मदर जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनका और जो बेबी है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है और जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे ही कंडीशन में ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है कि जिससे मिसकैरेज का प्रॉब्लम ना हो या फिर जो बेबी को दूसरे कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये इंजेक्शन कैसे काम करता है, तो जैसे मैंने अभी डायग्रामेटिकली आपने समझा है कि ये इंजेक्शन ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँच के, कि जब ये इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँच के जो आरएच पॉजिटिव जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, कि जिसके कारण जो फिटस डेवलप होता है उसके ऊपर कोई भी ऐसे हानिकारक असर नहीं होती वो एंटीबॉडीज़ की और बच्चे के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो स्पेशली ये इंजेक्शन लगाने के बाद जो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप हुए होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसी के कारण जो फिटस के ऊपर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो ये इंजेक्शंस के हम फैक्ट्स देखें तो अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है कि बार बार मिसकैरेज हो रहा है आपका, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में भी समझो कि बच्चा जो फिटस डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला डेवलप हो रहा है और कुछ ऐसा लगता है कि आपने डायग्नोसिस करवाया और कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रहे, तो उस वक्त फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है और जिससे आप जो है वो प्रिवेंट करवा सकते हैं आपका मिसकैरेज आपके हर एक प्रेगनेंसी के दौरान। तो ज़रूरी है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो कि जिससे ये प्रॉब्लम से आप बच सके, कि जब ऐसी कंडीशन की जब मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, तो हर वक्त प्रॉपर आप डायग्नोसिस के बाद ये मेडिकेशंस को ले सकते हैं।
उसकी डोज की हम बात करें तो जो आरएच नेगेटिव मदर्स होती है वो रिसीव करते हैं एंटीडी इंजेक्शन के दो डोज। पहला डोज उनको खासकर लगाया जाता है 28 वीक्स के प्रेगनेंसी पीरियड्स के दौरान, कि जो स्पेशली हम जो ट्राइमिस्टर्स हम कहें तो जो थर्ड ट्राइमिस्टर जब शुरू होता है तो उस दौरान 28 वीक्स के दौरान उनको लगा सकते हैं फर्स्ट डोज। और जो सेकंड डोज है वो 34 वीक्स के प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान लगा सकते हैं। और जब बेबी का जन्म होता है और वो समझो कि आरएचडी पॉजिटिव है तो उस वक्त उसके जन्म के 72 आवर्स में भी ये इंजेक्शन का डोज जो मदर को लगा सकते हैं कि जिससे सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो अब ये इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट समझते हैं कि जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है कि ये इंजेक्शन लेने के बाद आपको हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है, फिर स्किन के ऊपर इस तरह से एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पर रैशेस डेवलप हो सकते हैं, खुजली हो सकती है आपको कि आप देखो ये पर्सन को खुजली हो रही तो ऐसा इचिंग जैसा हो सकता है, फिर आपको बुखार भी आ सकता है, फीवर जैसा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आपको ठंड लग सकती है, चिल्स, नौजिया, वॉमिटिंग, मतलब कि आपको उल्टी हो सकती है, जी घबरा सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है कि जॉइंट पेन, डिजीनेस मतलब कि नींद आना, आपके हार्ट बीट्स जो है वो रैपिड हो सकते हैं मतलब कि हार्ट रेट इंक्रीज होना, कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर हम टैकीकार्डिया कहते हैं, कि जो नॉर्मल हार्ट बीट्स होते हैं उसके कंपेयर में आपके जो हार्ट बीट आपके जो पल्स है वो इंक्रीज होना। उसके बाद आप अनवेल फील करते हैं मतलब कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ भी अच्छा ना लगता हो ऐसा आप फील कर सकते हैं, काफ़ी थकान आप महसूस कर सकते हैं इंजेक्शन के लेने के बाद, स्किन का कलर जो है वो पेलनेस या फिर येलोनेस जैसा हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और बॉडी के ऊपर या फिर चेहरे के ऊपर या फिर आपकी लिप्स आँखों के नीचे सूजन आ सकती है, खुजली हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो सकती है ये इंजेक्शन को लेने के बाद। तो वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस यही रहेंगे कि अगर आपको ये इंजेक्शन लेने के बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही सीवियर हो रहे हैं तो ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। फिर कुछ ऐसे उसकी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि स्किन जो है वो आपकी येलो होने लगती है, ये एक उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा, ब्रीथिंग में आप जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फील करते हैं, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहा जाता है, कि ये वाला पर्सन देखो कि उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। फिर चेस्ट पेन, कि आपकी छाती के अंदर दर्द होता है कि जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका जो यूरिन, कि ये वाला देखो कि जो लाइट येलो कलर का ये जो यूरिन है उसके कंपेयर में ये जो कलर आप देखो तो काफ़ी डार्क कलर का यूरिन है, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको होते हैं तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बता के आपको ये इंजेक्शन के डोज चाहे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर ये इंजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, उनके वार्निंग्स क्या रहती है, और अफोर्डेबल प्राइस में एक साल तक सीखे सरल भाषा में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 नंबर पर, या फिर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारॉक्स की ऐप को। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।